पुलिस की गोली से घायल हुआ मौत का सौदागर। आजमगढ़ जिले के अरोला थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत माहौल में शराब की सरकारी लाइसेंसी दुकान की आड़ में चल रहे अवैध शराब के कारोबार ने कई लोगों की जिंदगी को काल के गाल में पहुंचा दिया। कितनों के घर अंधेरे छा गए, कई औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। इन सभी का गुनहगार नदीम जिला छोड़कर भागने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर अलर्ट पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली का नदीम शिकार हो गया। बताते चले कि मुख्य आरोपी रंगेश यादव पुलिस के हिरासत में है। उसके निशानदेही पर जहरीली शराब के अवैध कारोबार के ठिकानों पर छापे पड़ने शुरू हुए। पुलिस ने अरोला थाना क्षेत्र के रुपाईपुर गांव में नदीम पुत्र सईद अहमद के घर पर सिरप बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा, जहां से लगभग 30 लाख कीमत के मशीन से लेकर केमिकल के बोतल, ढक्कन से लेकर मोहर तक, यानी कि एक अवैध शराब कारोबार की पूरी फैक्ट्री ही पुलिस ने भंडाफोड़ किया। इस छापेमारी के बाद दर्जन भर लोगों को पुलिस ने नामजद आरोपी बनाकर मुकदमा दर्ज किया और 7 लोगों की गिरफ्तारी भी की, जिसमें मुख्य आरोपी जिसके मकान में यह कारोबार चल रहा था वह नदीम था, जो कि फरार चल रहा था। उसके ऊपर 24 घंटा पहले ही जिले के आला अधिकारियों ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। गुरुवार को भोर में 5 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी नदीम को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन नदीम ने पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान नदीम के दाहिने पैर में पुलिस की गोली लग गई। पुलिस वालों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौला लाए, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देख उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। नदीम के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। थाना अहरौला अंतर्गत सरकारी शराब के ठेके से शराब के सेवन से हुई मृत्यु के संबंध में पुलिस द्वारा कल रात्रि में एक अवैध शराब फैक्ट्री संचालित होते हुए पकड़ी गई थी। ये फैक्ट्री मोहम्मद नदीम नाम के व्यक्ति के घर से संचालित हो रही थी। यह रुपईपुर गांव का रहने वाला है। यह व्यक्ति फरार चल रहा था। इसके ऊपर DIG आजमगढ़ महोदय द्वारा 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज सुबह लगभग 4:45 बजे सुखीपुर के पास पुलिस के द्वारा इसको घेर कर रोकने का प्रयास किया गया, गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर अवैध असलाह से फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा इसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें इसको दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ लाया गया, जहां वर्तमान में इसका उपचार चल रहा है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल बरामद हुई है, लाइव राउंड और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इस घटना के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 42/22, धारा 307, 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अहरौला पर पंजीकृत किया गया है। विस्तार में इससे पूछताछ की जा रही है, किस प्रकार से इसके द्वारा अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था और किन किन लोगों को सप्लाई की जा रही थी, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इससे जो लाभ अर्जित हो रहा था उससे किस किस को लाभ पहुंच रहा था, इसके बारे में भी इससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में यह 5 मुकदमों में वर्तमान में वांछित था, जो 5 मुकदमे इस घटना के संबंध में थाना अहरौला और फूलपुर में दर्ज किए गए थे। 3 लोग और जो 50,000 का जिनके ऊपर इनाम घोषित है वो वर्तमान में फरार चल रहे हैं। पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश में उनकी गिरफ्तारी के लिए फील्ड में निकली हुई है। बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। CIBN इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।